नामदेव और राधा इसी गांव में रहते हैं। खेत में काम करके, बहुत मेहनत करके, फसल उगाकर, सब्जी और फल बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। उसे ईश्वर की सेवा मानते थे। मेहनत से मिले दो निवाले खुशी से खाते थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। नामदेव एक देवभक्त मारकरी, वो सबसे ही प्यार करता था। आओ आओ आओ, हाँ बैठो, धीरे धीरे। हाँ लो, पिएगा क्या? अपने भक्ति से लाया हो। नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। पाठशाला के देवभक्त गुरुजी, गांव के सरपंच या फिर दारू की भट्टी लगाने वाला शिरपा भी उसे अपना दोस्त मानता था। परमेश्वर कृपा से नामदेव और राधा के घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। वो राधा का ज्यादा ख्याल रखने लगा, उसे कोई तकलीफ ना हो इस पर ध्यान देने लगा। आने वाली संतान का वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। नामदेव राव, लड़का हुआ है, मुंह मीठा करवाइए। शिरपा, मुझे बेटा हुआ है। संतान के आने से उसका जीवन आनंदमय हो गया, इसलिए नामदेव और राधा ने बच्चे का नाम आनंद ही रखा। आनंद की परवरिश में उन दोनों का वक्त तेजी से गुजर रहा था। वही तो उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। नहीं, आप कहते वो सही है। हाँ। लेकिन आप कहना क्या चाहते गुरुजी? सरपंच, अब गांव में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। कम से कम दो कक्षाएं चाहिए। कितने दिन हम बच्चों को पेड़ के नीचे सिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ। हाँ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं जाने वाला हूँ गांव। ठीक है, तालुका में। तो वहाँ साहब से बात कर लूँ क्या? सरपंच जी, सरकारी मदद की जरूरत ही क्या है? ऐसे कैसे? अगर हम ठान लेंगे तो हम ही बना देंगे पाठशाला। हाँ, 100% सही बात कही। देखो आपने। हाँ। अरे सबका साथ होगा तो क्या मुश्किल है उसमें। हाँ, वो तो है। अभी भजन में सब लोग आने वाले ही है, तब कर लेंगे बात सबके साथ। हाँ बराबर, अपने बच्चे सीखने वाले हैं तो सभी तैयार हो जाएंगे, क्यों नामदेव? हाँ, 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 हाँ। सरपंच, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? हम हाँ। सब है ना आपके साथ। हाँ। हाँ। अच्छे काम में सब साथ देंगे। हाँ, 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 गांव के लिए भला है तो सभी आएंगे ही। आएंगे आएंगे। क्यों नामदेव, आज मंदिर में बच्चे को साथ लाए हो? हाँ, एक साल का हो गया ना वो। क्या कहते हो? एक साल का। सोचा भगवान के दर्शन कराते हैं, इसलिए लेके आए। क्या नाम है बच्चे का? आनंद। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा नाम है। एक साल का हो गया, संभाल के संभाल के। नामदेव, अब तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा होने लगी है, क्यों? आज का अभंग मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा बेटा। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। आयुष्मान। तो चले हम गुरुजी? हाँ, जी हाँ, आता हूँ आता हूँ सरपंच। नमस्ते। हाँ, चलो मैं भी चलता हूँ। नमस्ते। यो माधु, अरे ज्यादा आगे आगे मत जा बाबा, धीरे से चल। क्या होता है ना, अंधेरे में दिखता नहीं ना, ज्यादा आगे आगे जाके क्या फायदा है। माधु, अरे क्या हो गया? अरे अरे बाबा संभालो, अरे ये देख क्या है, अरे बाप रे, अरे ये सांप है, अरे बाबा, अरे संभाल संभाल, धीरे धीरे धीरे, हाँ आस्ते चल आस्ते चल, अरे माधु पकड़ रहे पकड़, धीरे से, हाँ चल चल चल। क्या हुआ सरपंच जी? देखो
अरे मेरे जैसा शराबी बच्चा और मेरा जान से भी प्यारा दोस्त नामदेव गया। अच्छा आदमी था। अरे आपके भगवान ने क्यों नहीं बचाया? मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो मेरे साथ ऐसा हुआ? सुनो, भगवान की मर्जी के सामने कोई क्या करे राधा, जो देता है वो ले जाता है। अब तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना होगा, उसे नामदेव जैसा गुणवान बनाओ। नामदेव का खेत अब तुम ही संभालो। कुछ फिक्र मत करो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, हमारे दोस्त का घर हम ऐसे उजड़ने नहीं देंगे। मेरी बच्ची की तरफ देखकर मुझे मेरे आंसू पीने पड़ेंगे सरपंच। नहीं तो मैं अपनी जान दे देती। ऐसी बातें नहीं करते राधा, तुम्हारा बच्चा बड़ा होने दो, देखना वही तुम्हारे जीवन में आनंद लाएगा। राधा राधा, दुख के बाद सुख तो आना ही है। अपना कोई बिछड़ा तो क्या हुआ? हाँ, अपने सामने तो भविष्य है, तुम्हारे बच्चे का भविष्य तुम्हें ही बनाना है। हाँ गुरुजी, आप सबके आशीर्वाद से मैं लड़ूंगी। शाबाश शाबाश राधा, तुम्हारे बच्चे को तुम बड़ा करो, मैं उसे विद्या संपन्न करूंगा, देखना। अब हम चलते हैं, कुछ जरूरत हो तो बता देना। मैं हूं ना। हाँ।
ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर वरेण्यम्। बाबने कैसा चल रहा है धंधा? अरे काय का धंधा, सब डूब गया है। यहाँ मरने को आता कौन है? बैठा हुआ अकेला भूत जैसा। बाबने देखा राधा का आनंद। राधा का आनंद? राधा का आनंद घर में राधा के साथ मजे कर रहा है शिरप्या। शिरपा? फिर शिरपा का तो नसीब खुल गया। खेत में काम क्या करने लग गया, राधा को क्या पटाया, खेत भी उसका, खेत वाली भी उसकी है। वो राधा थोड़ी सी तो शर्म करती ना, हाँ? इतना बड़ा बेटा है। बेटा तो है? क्या नालायक बेटा है, एक साल में बाप को निकल गया। हाँ अकेली औरत कहाँ तक संभालेगी। मिल गया शिरपा, पकड़ लिया उसे। अरे लेकिन वो शिरप्या, शिरप्या क्या शादी करेगा क्या उसके साथ? क्या हुआ? जब शादी किए बिना ही उसे सब मिल रहा है तो क्यों विधवा से शादी करेगा रे वो? सच है, सच है। एक बात बोलता हूँ मैं, राधा ही ना राधा, राधा बहुत जवान है रे। अरे ऐसा मत बोल रे, उसकी जवानी का क्या कहना। अरे ऐसा वैसा काटा नहीं, बहुत बड़ा काटा आता है। अरे तेरे को बोलता, ऐसा जंगली कबूतर अगर हाथ लग गया ना। क्या हुआ? अरे क्या बबने, बहुत लेट किया रे तुमने, बहुत लेट किया। हाँ कोई बात नहीं, सिर पथक गया तो तू नंबर लगा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन कैसे होगा? अरे भूखा पंछी एक डाल पे बैठ के उसका पेट भरेगा क्या? अरे पूरे गांव के लिए है क्या? आया 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 आया, ओ किसने मारा रे पत्थर? सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुष एवेदं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतं तस्यैषानो यज्ञेनातिरोहति एतावान् गुरुजी। मातुर्जायाश्च पुरुषः। क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी आनंद बेटा क्या हुआ, डर लग रहा है किसी का? हाँ तो माने डाटा? हाँ अरे माँ है वो, उसके डांटने का बुरा मानते हैं क्या? डायन है वो, चुड़ैल है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते बेटा, जैसे भी हो वो तुम्हारी माँ है। मुझे शर्म आती है उसकी, वो बहुत बुरी है, लोग कुछ भी बोलते हैं, निंदा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डांटती है, बासी रोटी और गंदा खाना देती है, खुद के लिए तो अच्छा खाना बनाती है। मैंने क्या पाप किया था गुरुजी, मैं ये अब सह नहीं पाता, मैं तो जीना ही नहीं चाहता हूँ गुरुजी। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते बेटा, मैंने भी सुना है ये सब। अरे तुम्हारे पिताजी बहुत नेक इंसान थे, उनकी इच्छा थी कि तुम बड़े आदमी बनो, तुम्हें बहुत आगे जाना है। मुझे उस नरक में नहीं जाना है गुरुजी। आनंद कमल कीचड़ में खिलता है पर उसका महत्व कम नहीं होता, वो तो भगवान को अर्पण करते हैं। देखो हीरा कोयले की खदान में मिलता है ना, हाँ लेकिन उसे तराशने के बाद उसका अलंकार बन जाता है, वैसे ही ये समय ज्ञान को तराशने के लिए होता है। देखो हम किसी को बदल नहीं सकते, हमें खुद को बदलना चाहिए। कनक को भी आकार लेने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है, तो क्या वो कनक अग्नि से क्रोधित होता है? मन को शांत रखो बेटा। उसके लिए क्या करूं गुरुजी?
तुम कुछ चिंता मत करो। ले रख लो, काम अट रहा है करने के लिए। अरे ये देख आ गया बच्चा तेरा। क्या कहे तेरे, किधर गए थे तू? बटर के जाना था ना, चिंता करती है ये। मास्टर के पास गया था है? मास्टर के पास बटर के नहीं जा सकता है? खूब पढ़ो, बहुत पढ़ो, बड़े बनो। मैं तुम्हें दारू की भट्टी लगा के दूंगा। मैं कंट्री बनाऊंगा, ट्यूबलाइट ही बनाओ। ये सुन रहे, तेरे बेटे को एक नंबर बनाऊंगा, एक नंबर। तू चिंता मत कर, हाँ तू पढ़, बड़ा बन बड़ा। क्या रे, क्या बोल रहे वो, समझते नहीं हो? अरे बेटा, बड़ों ने कुछ पूछा तो जवाब देने का। जाने दे रे, बच्चा है वो, समझते नहीं? बच्चा है वो, बच्चा। पढ़ तू पढ़। चल चलता हूँ, मैं चल रहता हूँ। कल कुछ मुर्गा मुर्गा बनना हो। रोज रोज किया तो भी मन नहीं भरता। कल आइए, बैठे की चपाती करती हूँ और मच्छी भी तल के रखती हूँ, इंतजार करूंगी। नहीं, पढ़ पढ़। मैं भट्टी लगा के दूंगा तुमको, पढ़। यहाँ क्या खंबे की तरह खड़े हो? तुमको तुमको छोटा बड़ा कुछ समझता है कि नहीं? यही सिखाया गया उस मास्टर ने? चटनी और भाकर रखिए, खा ले जल्दी। बैठो यहाँ। देखो बेटा, कल से तुम्हारी पाठशाला पढ़ाई सब बंद। ऐसे क्या देख रहे हो? कल से शिल्पा के भट्टी पे जाना काम करने को। अरे वही धंधा पैसा देता है, पढ़ के क्या मास्टर बनना है तुम्हें? तुम्हारा वो मास्टर, 10 साल हुए, घर को रंग भी नहीं लगाया अभी, वही कपड़े पहनता है जोड़ के। देखो बेटा, पढ़ाई से किसी का भला नहीं होता है। अगर पैसा है तो सब पूछते हैं जो शिरपा के पास है, पैसा ना हो ना तो कोई भी नहीं पूछता, समझे? और इज्जत नहीं होगी तो? क्या कहा? अगर इज्जत नहीं होगी तो क्या फायदा माँ?
इज्जत का मूल्य पैसों से अधिक होता है। समाज में उसे ही मान है। पैसों से इज्जत खरीदी नहीं जाती माँ। तुम्हारे मास्टर ने सिखाया क्या सब कुछ? नहीं, परिस्थिति ने। माँ तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या किया रे मैंने? हाँ क्या किया? साल में बाप को निकल गया और मुझे विधवा बनाया। हाँ मनहूस कहीं का, लोगों का क्या जाता है? अरे भूखे पेट चिरपिया ने खाना खिलाया इसलिए चल रहा है सब कुछ। मैं बड़ा बनूंगा, सीखूंगा, नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, पर तुम शिरपा की संगत छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है, दारू पीता है, शराबी है, बुरा है, बहुत आगे लगे रे तुझमें। मास्टर तुमको सिखाता है, तुम मुझे? तेरा बाप मर गया तो क्या मैं पल्लू गिरा के बैठती बाजार में? एक बात याद रखना, उस शिरपा के बारे में कुछ बुरा कहा ना तो जल्दी लकड़ी लेके तेरा मुंह जला दूंगी, समझे? आओ अन, आओ। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बच्चों क्या तुम्हें पता है अपना आनंद चौथी के परीक्षा में जिले में प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुआ है। बच्चों विद्याधन ये दुनिया के सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्याधन की कोई भी चोरी नहीं कर सकता, कोई राजा उसे छीन नहीं सकता, भाई बंधु उसका बंटवारा नहीं कर सकते, विद्याधन का तो भार भी नहीं होता। ये एक ही धन ऐसा है जो खर्च करने पर भी बढ़ता है। ये धन आसानी से मिलता है क्या? नहीं, जो सुख के पीछे भागता है उसे विद्या नहीं मिलती। अपार कष्टों का फल है विद्या, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारा आनंद। बच्चों दोपहर को सरपंच जी के हाथों आनंद सम्मानित होगा, उसे पाठशाला शुल्क नहीं भरना पड़ेगा, उसे शिष्यवृत्ति मिली है। बच्चों आप भी आनंद को आदर्श मानकर खूब आगे बढ़ोगे ना? शाबाश शाबाश। बस हुआ अभी। राधा ये बच्चा बहुत बातें करने लगा है। हाँ बुरा हूँ उस मास्टर का, वही कान भर रहे उसके। तो अपने लिए कैटा बन गया हो, हमें कुछ मजा नहीं करने देगा। हाँ अभी शादी करनी है ना? हाँ करनी है ना, तो इसका क्या कर रहे हैं अभी? हाँ अब मेरे को बोटा पहले, तुम मेरे सिवा मैं तेरे सिवा जी सकते है क्या? हाँ जी सकते नहीं तो? शादी के बाद हमारे भी तो बच्चे होंगे, उन पे गुस्सा करेगा ये? अभी से इतनी होशियारी की बातें करता है वो। सुनो हमारी हमारी शादी होने देगा वो? राधा मैं इसे कहीं दूर छोड़ के आता हूँ। उससे क्या होगा, बहुत शाना है वो, आ जाएगा वापस सिर खाने। ये काटा हमेशा के लिए निकल दिया तो? मतलब झूला देने का, मार डालने का। शिरपा क्या बोल रहे हो ये? अभी कोई और रास्ता है क्या? हा? वो बच्चा हमको सुख से जीने देगा क्या?
इसने हमारा जीना तो हराम कर ही दिया है, जिंदा रहा तो हमें सुखी नहीं होने देगा। कुछ भी हो जाए आज इसका फैसला कर ही डालते हैं। बस यही होगा, मैं रात को आता हूँ, तुम तैयारी करके रखना। हाँ, इस गन की उस गन को खबर नहीं, और कुछ बवाल हुआ तो दो रुपए जाए पटने बोलेंगे। ठीक है फिर, मैं तैयारी करती हूँ, पर तुम रात को जल्दी आना। कुछ भी हो जाए आज इसको खत्म कर ही डालती हूँ रात को। आओ आनंद, आओ बैठो 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 बैठो। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें घर बुलाया है। कहाँ गई? हाँ। ये लो आनंद, मेरी तरफ से तुम्हें ये भेंट। और अब ये किस लिए? आप इतना प्यार करते हैं, वही काफी है। अरे ये पेन मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अरे ये ज्ञान शस्त्र है, ज्ञान शस्त्र, इसके सहारे तुम्हें प्रगति करनी होगी। दुनिया में ये सबसे प्रभावी शस्त्र है, याद रखना। अपना युद्ध अज्ञान से है, अज्ञान के काले बादल हट जाने पर ही ज्ञान का प्रकाश दिखेगा। आपके सहवास में मुझे नई उम्मीद मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उस नरक में जाने की इच्छा नहीं होती। एक काम करो, आज रहो यहीं मेरे पास। हाँ, बहुत खाएंगे, मस्त बातें करेंगे, क्यों? नहीं गुरुजी, कैसी भी हो मेरी माँ राह देखती है, मुझे जाना होगा। शाबाश, माँ आखिर माँ होती है, माँ जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं। हालात इंसान को अच्छा बुरा बनाते हैं, भगवान सभी को एक जैसा ही बनाते हैं बेटा। पर ये सब द्वेष, स्वार्थ, असूया, ये सब आदमी को बुरा बना देते हैं। पर एक ना एक दिन आदमी को पश्चाताप होता है और वो फिर से अच्छा बन जाता है। गुरुजी, मेरी माँ अजीब बर्ताव कर रही है, भगवान उसे कब बुद्धि देगा, मुझे उसका बहुत डर लगता है। अरे माँ से क्या डरना, वो जो कुछ कर रही होगी तुम्हारे भले के लिए कर रही होगी। और एक याद रखना, भगवान सब कुछ देखता है, वो सबको सद्बुद्धि देता ही है। आज तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिली है, पर बेटा उसका गर्व नहीं करना, बिल्कुल गर्व नहीं करना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। देखा क्या? सांप, सांप दिखा मुझे। काटा नहीं? तेरे बाप को तो काट गया, मेरा काम तो आसान होता। माँ, तुम्हारे पास कितना सुरक्षित लगता है, मैं डर ही गया था, पेड़ की टहनी गिरी, सांप दिखा, मन में बुरे विचार आने लगे, मुझे तो लगा तुम बीमार हो। तुम्हें तो यही लगेगा, मैं कब मरती हूँ इसकी राह देख रहा है तू। माँ, आज तो ऐसा मत कहो। आज? आज क्यों? ये देखो, पहले ही फूल गिर गए तुम पर। और ये सरपंच जी ने दिया है, और ये पेन गुरुजी ने भेंट दिया है। बहुत तारीफ कर रहे खुद की। चुप हो जा, इतना क्यों रो रहे? खा ले आखिरी बार, कल से ये तकलीफ भी नहीं रहेगी।
भाई शेरपा। काम हो गया क्या? नहीं अभी। अरे इतना देर तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना रात को आऊंगा, उसने शोर मचाया तो हम क्या करेंगे? अरे क्या बवाल करेगा, चल मार उसको चल। क्या सोच रही है, चल मार डाल उसको अभी। अरे चल मार, मैं हूं ना इधर, चल। तोड़ते हैं वैसी हड्डी तोड़नी है तेरी। माँ मुझे क्यों मारना चाहती हो? मेरी गलती हुई, भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो माँ। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, सीखूंगा, पैसे कमाऊंगा, तुम्हें सुख दूंगा। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं सुखी रहूं ये इच्छा है ना तेरी? मौत के बगैर मैं सुखी नहीं रहूंगी। हमारे गुरुजी कहते हैं माँ जैसा कोई भगवान नहीं, माँ याने दया का सागर, माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सच है ना माँ? तो मास्टर ने तुझे जो जो सिखाता है ना, वो कैसे छूटा होता है यही दिखा दियो अभी। मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, वही रहता हूँ, वापस तुम्हें तंग करने कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो माँ। अरे अब क्या सोच रही है, बस मार और कर दो टुकड़े। गुरुजी, 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 गुरुजी। अनंत क्या हुआ बेटा? हाँ इतने रात गए तुम यहाँ कैसे? गुरुजी मुझे आपकी बहुत याद आई, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अरे मैंने तो तुमसे कहा था कि यहीं रहो, खाना खाते बातें करते, तुम्हें ही घर जाना था। गलती हुई गुरुजी, घर नहीं जाता तो बहुत अच्छा होता, पर मिला हुआ प्रमाण पत्र माँ को दिखाना था। दिखाया? फिर माँ ने शबासी दी तुमको? शबासी कैसी, प्रमाण पत्र फाड़ कर जला दिया। क्या ये कैसी माँ है? डायन मैं खाली पेट सो गया। हाँ? अरे 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 बेटा तुमने कुछ खाया नहीं, मैं देखता हूँ कुछ खाने के लिए है। मैं कैसे खाऊंगा? मतलब खाते तो जीवित लोग है ना। ये क्या कह रहे हो तुम? अब मैं जीवित नहीं हूँ। ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें मालूम है? मुझे लगा ही था आपको झूठ लगेगा। क्या मैं आपसे कभी झूठ बोलता हूँ? चाहिए तो मेरे घर जाके देखिए, माँ ने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मटके में रख दिए हैं। अनंत, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। हाँ मैं। हाँ गुरुजी, इतनी देर रात क्या हो गया, क्या क्या घबराए क्यों हो? अपना अपना आनंद अच्छा? आया था मेरे सपने में, मुझे लगा भ्रम है, कुछ बुरा हुआ है सरपंच। ऐसा कुछ नहीं, चिंता मत करो। अब तुम आनंद से बहुत प्यार करते हैं ना, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है? नहीं वैसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई है, जरूर कुछ गड़बड़ है। हम आनंद के घर चलते हैं। लेकिन इतनी देर रात जाना, वैसे तो मैं ही चला जाता पर वो निर्दयी औरत मुझ पे ही शक करवा कर मुझे फंसाएगी सरपंच जी। नहीं नहीं आप फिक्र मत करो, मैं क्या बोलता हूँ। अच्छा चलो तुम बोलते हो ऐसा करते हैं, हम माधु को लेते हैं साथ। चलो जाकर आते, रुक रुको
आप बैठो यहाँ बैठो, अब मैं कपड़े बदल के आता हूँ। माधु बत्ती जला बाबा। से हुआ ना राधा? तो जमीन धोके साफ करके रखी है, आरी भी साफ करके रखी है, और उसके सारे कपड़े थे ना वो सारे बांध के रखे हैं मैंने। ये अच्छा हुआ, कल वो मटका और कपड़े दारू की भट्टी में जला देता हूं। चलो ये काटा तो गया, अब बस हम दोनों राजा रानी। हाँ ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया, पर तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मरने तक नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त कौन आया होगा? किसी को शक तो नहीं हो गया ना? अरे तुम ऐसे कुछ मत सोचो, जा मैं हूं। अरे बिंदास जा, दरवाजा खोल जा। आप इस वक्त शोभा देता है क्या? और तुम्हें ये शोभा देता है? और ये कुत्ते वाला ये क्या कर रहा है यहाँ इतनी रात, है ना? हाँ फिर? अरे हट जाओ, क्या कर रहा है अंदर तू? आइए मास्टर आइए। ये सरपंच, मैं शादी करने वाला हूँ दादा से। कर तो नहीं ली ना अभी तक तूने? आनंद कहाँ है? कहाँ है आनंद? उसको हमने दूर भेजा है। अच्छा, आधे घंटे पहले मेरे घर था वो। उसका दोस्त आया था, उसके साथ गांव भेज दिया है। यहाँ होता तो पढ़ाई का क्या होता उसका? सरपंच, ये औरत कुछ झूठ बोल रही है। हे भगवान, मेरा सपना सच तो नहीं? नहीं, अरे वो चुड़ैल कहाँ है आनंद? कहाँ रखा है उसको? ए सरपंच, राजा को छोड़, डर नहीं तो बहुत बुरा होगा।
दादा को छोड़, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बटर रहूं। ए चुप रहे। बताओ लोगों, इन दरिंदों लोगों का क्या करना चाहिए? इस चुड़ैल ने तो अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके मारा उसको। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इनको, क्या रे? सच है सरपंच, इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, पत्थर मार मार के इनका सर फोड़ देना चाहिए। देख क्या रहे हो?